무지 나니까 잘못된 것 같아요. 제 인생에 게 아닙니다. 무지 때문에 살았다 하기 기분 삼아지나기에 무지 나라서 미스리 했었거든요. 무지 나라서 이게 돈이 빈빈 미스리 했기 내 자리에 감사합니다. 빨리 이렇게 돈이 비싸니 미안. 이만 참아지나 김에 물고기 무쌍 무시리 좀 하래 살 있었더니 어떻게 됐었겠니? 아다 비로 간단히 담배. विशेष के लिए नहीं की थी, वीर के लिए की थी। वीर की बीवी बनना है मुझे, इस घर की बहू बनना है, उसकी पत्नी बनना है, और वो मैं बन के रहूंगी। सच्ची वेलकम टू दिल्ली रिपोर्टर मैम। थैंक यू सो मच। तो आज का सीन तो काफी ज्यादा ड्रामेटिक था। सबसे पहले तो आप पे हमला हो गया, लाइक कैसे, क्या हो गया एग्जैक्टली? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ये तो देखने वाली बात है, और किसने हमला किया ये भी देखने वाली बात है। कि पहले तो सुरक्षा में कोई आवाज ही नहीं उठा सकता वरदान जी समेत, और उसमें कोई हमला कर सकते, वो भी उसके अपने घर और अपने ही कमरे में। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एक्चुअली हमारे सीन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं, पूरा जो घर का चीज़ें हैं वो उथल पुथल हो रही हैं, और क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है। मतलब अभी बुलबुल को पकड़ के ले गई है पुलिस, पुलिस स्टेशन में है, फिर इतने सारे केस को लेकर क्या कुछ हो रहा है, घर पर हम लोग परेशान हैं। फिर मतलब टच वुड, हम लोग एक के बाद एक ड्रामा हम लोग देते ही होते ही जा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी जो है ना वो इस समय एकदम उथल पुथल। मुझे लगता है डाइनिंग टेबल पर खाना तो बहुत सालों से खाया ही नहीं, मुझे लग भी नहीं रहा है कि पता नहीं आगे खाने वाले। सो बहुत कुछ हो रहा है और देखना इंटरेस्टिंग होगा, उसके लिए देखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सुलक्षणा जी को दृष्टि से विशेष का रिश्ता मांगना पड़ा? क्या थॉट आया? ये तो मुझे पता ही नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, दैट आई डोंट नो। अभी तो स्टिल आई एम कंटेम्प्लेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मुझे ये तो अभी पता ही नहीं है, और ये मेरे लिए भी काफ़ी सरप्राइज ही है क्योंकि अभी हमारे इससे पहले बहुत सारे और सीन्स हैं जो मैंने अभी तक किए नहीं है। उसकी जर्नी करते करते मैं यहाँ तक शायद पहुँचूँगी, और क्योंकि हम लोग शूट में नेचुरली पहला सीन पहले कर लेते हैं और हो जाता है। तो मेरे लिए भी अभी ये सीन जो मैंने एकदम से किया है वो अभी सिंकिंग नहीं हो रहा है। सो आई गेस तो हम बाकी सीन्स करेंगे, उस तक गुजरते हुए फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे, तो मैं बेहतर समझ पाऊँगी कि ये रीजंस उसके पीछे क्या क्या क्या। लेकिन जो आप कह रहे हो मुझे सच, लेकिन सुलक्षणा जी को दृष्टि की सच्चाई अभी तक पता नहीं चली है? नहीं नहीं, मैंने ही दृष्टि को इस घर से बाहर निकाला था, और जब किसी को भी नहीं पता था, और उसे बोल दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैं समझती हूँ, बिकॉज सुलक्षणा काफ़ी समझदार और सूझी हुई है, लेकिन आई गेस बुलबुल ने उसको बहुत पॉइंट्स पे शर्मिंदा किया है। तो कई बार हो जाता है ना कि आप जब किसी से बहुत प्यार करते हैं, जो कि सुलक्षणा से कटती है,
और वो आपको किसी एंड मौके पर किसी एंड चीज पर धोखा तो नहीं कह सकती लेकिन नीचे दिखा देता है, फिर आप एक दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते हैं उस चीज से डील करने के लिए। मुझे लगता है कि इंसान जिंदगी में ऐसा ही करता है और शायद इस शो में मेरे साथ या सुलक्षा के किरदार के साथ ऐसा ही है। That's what I think. Okay, thank you so much. Lastly, ma'am, your name and you're watching Telugu. Yeah, I'm Supriya Shukla. आप देख रहे हैं सुलक्षणा को, मेरा बलम थानेदार, 9:30 बजे कलर्स टीवी पर, मंडे टू फ्राइडे। और जस्ट इन केस आप मिस कर लें तो फिर जियो सिनेमा पर देखना बिल्कुल ना भूले, आप उसे कभी भी सब देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।